अर्रहमान रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नेट स्विच, पुश स्विच और टैम के ज़रिए टैम स्विच बनाने का तरीका बता रहा हूं। इसकी वायरिंग करके आपको बताऊंगा कि ये कैसे चलेगा। इसको आप मखसूस टाइम के लिए बिजली की किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इसके लोड के मुताबिक हो। अब मैं इसकी वायरिंग करने लगा हूं, इसकी मुकम्मल वायरिंग करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये ऑन स्विच, ये ऑफ स्विच, इनको मैं कॉमन करूंगा और दूसरी साइड पर हम इस तरफ एक तार लगाएंगे और ये लाल साइड पर एक तार लगाएंगे लाल स्विच की तरफ और इनको हम मैग्नेट कनेक्टर पर लेके आएंगे। ये पुश स्विच को मैंने एक तरफ से कॉमन कर दिया है और ये दो तारे एक ऑन पर एक और एक ऑफ पर एक और ऑन पर मैंने दो तारे लगा दिए हैं और ये दोनों तारे जाएंगी एक्सिलरी पर। ये पीली है, इसको हम एक्सिलरी, ये मैग्नेट कनेक्टर की एक्सिलरी है, ये नीचे वाली ऑफ है और ऊपर वाली ऑन है। इस हालत में जब ये कनेक्टर ऑन होगा तो नीचे वाली ऑन हो जाएगी और इसका करंट इधर सप्लाई होके कॉइल पे चला जाएगा। ये ऑन वाली तार है, ऑन स्विच वाली, ये हम एक्सिलरी के इस साइड पे लगा दूंगा ऊपर की साइड पे। और यहाँ से एक तार हम मैं लगाकर एक्सिलरी से कनेक्टर के A2 है उस पर लगा दूंगा। अब मैं इस कनेक्टर के L1 से एक तार लगाकर जी कॉइल के A1 पर लगा दूंगा। अब कॉइल की A1 से एक तार लगाकर टाइमर के 7 नंबर पॉइंट पर ले आऊँगा। 7 नंबर और 2 नंबर ये टाइमर की सप्लाई है।
अब ये कनेक्टर की कॉइल की ए टू इस पर एक तार में लगाकर ये टाइमर के सब दो नंबर पॉइंट पर लगा दूंगा। यहाँ से L3 पर जहाँ मेन सप्लाई देंगे वहाँ से एक तार में L3 से यहाँ मेन लगाएंगे, इधर से हम एक तार में टाइमर की पांच नंबर पिन पर लगा दूंगा। अब ये पुश स्विच है, इसकी जो कॉमन मैंने की है इसको मैं टाइमर के आठ नंबर पॉइंट पर लगा दूंगा। इसकी वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ हम L1 और L3 पर मेन लगाएंगे और इसको हम चलाएंगे। अब इसकी वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है, इसको मैंने टाइयाँ लगा के इसको अब हम मुकम्मल कर दिया। अब इसको मेन सप्लाई लगा कर चेक करूँगा। इसको मैंने मेन सप्लाई लगा दी है, अब इसको चेक करूँगा, इसको मैं ऑन करूँगा और ये पाँच सेकंड बाद खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। ये टाइमर है सेकंडों वाला, इस पर आप मिनटों वाला भी लगा सकते हैं, घंटों वाला भी लगा सकते हैं। ये स्विच आप किस बॉक्स में लगाकर घर में अपने वाटर पंप पर भी लगा सकते हैं, थ्री फेज मोटर पर भी लगा सकते हैं, जिसको आप मखसूस टाइम के लिए चलाना चाहते हो। अगर आप घर में अपने वाटर पंप को 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए चलाना चाहते हो तो ये 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद खुद ब खुद बंद हो जाएगा। ये देखा भाई ऑन हो गया, ये देखें फिर मैंने ऑन किया। अब ये को 5-7 सेकंड पर खुद बखाना ऑफ हो जाएगा। अगर इसको आप मिनटों पर लगाना चाहते हैं मिनटों पर भी लगा लें, घंटों पर लगाना चाहते हैं टाइम पर तो घंटों पर आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं।